the Dawn Express, Aina Sashka. कल महाशिवरात्रि थी। भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने पूरे जोर शोर के साथ, बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में महाशिवरात्रि की पर्व मनाई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का लंबा तांता लग गया। भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, अपना अर्पण करने के लिए फूल माला, भांग, धतूरा, गंगाजल, दूध के अलावा फल मिष्ठान के साथ मंदिरों में लाइन लग गए। मंदिरों के घंटे सुबह से ही बजने शुरू हो गए, भोर से ही बजने शुरू हो गए। कई कई मंदिरों के बाहर 100-100 मीटर से लेकर के 500-500 मीटर तक लंबी लाइनें देखी गई। सुबह भक्त मंदिरों में शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए पहुँचे। बाद में शिव बारात और झांकियां का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें भी बड़ी संख्या में, इसमें भी हजारों संख्या में शिव भक्त उन झांकियों में शामिल हुए। पूरे देश के ही तरह हरिनगर घंटाघर ए ब्लॉक के श्री महाशक्ति दुर्गा मंदिर में भी भगवान शिव की बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना कर महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया गया। भक्त सुबह भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुबह सुबह अपने परिवार सहित पहुँचे। भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। भक्ति भाव और मंत्रोच्चार पूरे दिन मंदिर में चलते रहे, भक्तों का तांता लगा रहा। चारों तरफ भगवान भोले के और उनके अनुयायियों की श्रद्धा से भरा पड़ा था। सब भगवान भोले को एक दर्शन पाने को इच्छुक थे। वहीं रात को एक विशेष शिवरात्रि की पूजा की गई, जो रात 10 बजे से शुरू हुआ और सुबह लगभग 4:30 बजे तक चलता रहा, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ की निशरात्रि पूजा की गई और बड़े धूमधाम के साथ शिवरात्रि में भगवान आशुतोष को हर तरह से संपन्न करके खुश करने की कोशिश की गई, जिससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाए रखें, उनके सभी कष्टों को हरते रहें तथा पूरे समाज और क्षेत्र का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो, हर मानव जाति का कल्याण हो। ऐसी कामना करते हुए मंदिर के सभी भक्तों तथा सभी पंडितों ने, महंतों ने, सब ने मिलजुल करके एक विशेष पूजा का आयोजन करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए हमारे साथ आप भी देखिए कैसे संपन्न हुई भगवान भोलेनाथ की वह विशेष पूजा। आप भी देखिए और उसका भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। Thank you.
ठीक है।